हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको ज़्यादा घुमाने फिराने वाला नहीं हूँ, तो मैं आपको सीधा बता दूंगा मैं कहाँ पर आया हूँ। मैं आया हूँ पवई के हैकॉन एंटरटेनमेंट सेंटर पर। ये प्लाजा के जस्ट बाजू में है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअल में गो कार्टिंग करने आया था। तो गो कार्टिंग देखने से पहले आप यहाँ के ब्यूटीफुल नेचर को देख सकते हो कि यहाँ पे बर्ड्स कितने ब्यूटीफुल दिख रही है। मैंने कैप्चर किया हुआ है मेरे फ़ोन से। तो मैं हैकॉन में आया था, मेरे को यहाँ पे गो कार्टिंग करना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। तो उस तो ये जो हैकॉन एंटरटेनमेंट सेंटर है, ये बहुत अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैम्पोलिन, वर्चुअल रियलिटी गेम्स, यहाँ पे सब एक ही में मर्ज है। तो आप ज़रूर आइएगा। तो गाइस, मैं हैकॉन पवई में आ चुका हूँ। एंटरटेनमेंट सेंटर तो अभी चालू नहीं हुआ है, अभी 2:30 का टाइम था तब चालू हो गए। तो जैसे कि आप हर चीज़ का रेट देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है हर चीज़ का रेट। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सही जगह है यार, आप यहाँ पर आ सकते हो। किड्स और बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो गाइस, मैं हैकॉन पवई में आ चुका हूँ और यहाँ पे अभी शुरुआत ही हुआ है तो भीड़ कम है। तो मैं एक्चुअल में गो कार्टिंग करने आया था और यहाँ पर इतने सारे राइड्स है जैसे कि आप देख सकते हो। इसी को ढूँढ रहा हूँ, गो कार्टिंग है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे गेम्स हैं। पहले यहाँ पे बुल राइड हुआ करता था, जिसको हटा के अब ये डाल दिए गो कार्टिंग। या मुझे दिख गया, ये वाला गेम भी आप सभी ने खेला होगा। ये वाले गेम्स भी आप सभी ने खेले होंगे। अगर आपको ये गेम खेलना है तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, मस्त प्लेस है यार। ज़्यादा नहीं, यहाँ के 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ ऐसे कॉस्ट होते हो और आप 20 से 25 मिनट्स राइड कर सकते हो। बंजी भी है। तो मैं यही करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, गो कार्टिंग। तो ये तीन लोग भी है, चलो देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पर एटीवी और अलग अलग राइड्स भी है, तो मैं वो सब नहीं करूँगा क्योंकि मैंने वो सब पहले भी कर चुके हैं। तो मैं फालतू में वो सब करके अपने पैसे वेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आने के बाद इनकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो फॉर्मेलिटीज़ आपको साइन करनी पड़ती है कि आपको अगर राइड करते हुए कुछ हो गया तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो मैंने 5 लैप्स का टिकट बुक किया और 5 लैप्स के लिए मैं मूव करने लगा। सबसे पहला मैं ही था उधर, वहाँ पर सबसे पहले जो मैंने वहाँ पर स्टार्टअप किया, मैं 2:30 को अप्रॉक्सीमेट पहुँच गया था वहाँ पर। वहाँ पर देखो, कार्ड रेडी हो रही थी, जैसे कि गो कार्ड सब रेडी हो रही थी। तब तक मैं अपना ये अपना आपको सर पे बांधने के लिए एक कवर देते हैं, जिससे हेलमेट गीले नहीं होता, लेकिन मैंने वो यूज़ नहीं किया था। तो हेलमेट तो मैंने सब लगा के रेडी हो गया था, बस वेट कर रहा था कि वो अपने इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि ये साइड क्लच होता है, ये साइड एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है। तो ये एक्चुअल में जो ये गुड कार्डिंग है, ये पीछे से स्टार्ट होता है और इसके जो राइट साइड में होता है वो एक्सेलेटर होता है, और जो लेफ्ट साइड में होता है पैर के वो ब्रेक होता है। तो अगर आप आओ तो कभी ध्यान में रखना कि राइट वाला एक्सेलेटर होता है, लेफ्ट वाला ब्रेक। सो मैंने तो राइड शुरू की थी भाई, मैंने पहले लैप बहुत स्लो स्लो मारा, उसके बाद मैंने जो लैप मारना चालू किए, उसके बाद मेरे सामने कोई दिखा भी नहीं। मैं ऐसा इतना ख़तरनाक टर्न मारा था कि पूछो मत यार। वो सब चीज़ मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि मेरे फ्रेंड्स उतने अच्छे से रिकॉर्ड कर नहीं पा रहे थे, तो उसके लिए सॉरी गाइस, मैं आपको कुछ उतना प्रोवाइड नहीं कर पाया। लेकिन आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कितना एंजॉय किया, कितना मैंने 5 लैप्स का था, बट मेरा मैंने स्टार्ट किया तो ये लोग ने मुझे 7 राइड एक्स्ट्रा, 2 राउंड एक्स्ट्रा मारने को दे दिया। तो मैं तो बहुत घुमाया था, बट सॉरी गाइस, मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ कि मैंने वहाँ पर कितना एंजॉय किया, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आपको मैं सब बताऊंगा, सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा, बने रहिए यूट्यूब के वीडियो के साथ। तो मेरे फ्रेंड्स लोग भी अपने अपने राइड ख़त्म करके जब आ रहे थे, तो मैंने तो उनका भाई अच्छे से वीडियो बनाया क्योंकि बोले उन्होंने। तो यही वो वाइट वाला कवर था जो आपको अपने हेड पर लगाना था, जिससे हेलमेट स्वेट नहीं होता है। मैंने तो ये यूज़ नहीं किया था क्योंकि मैं शुरुआत ही कर रहा था, जस्ट गो कार्टिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको कैसे राइड करना है कैसे नहीं, बट आप अगर अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करते हो तो क्या, वो तो आपने देखा ही होगा।
हेलो एवरीवन, तो आपने देखा होगा कि मैंने कितने फास्ट फास्ट 7 लैप मारे। मेरे 5 का टिकट था बट मैंने 7 मारा क्योंकि मैंने वो भी ओपन किया था, ये तो मेरे को ये लोग ने 2 राउंड एक्स्ट्रा दे दिया की कवर अप के लिए। और जैसे कि आपने वीडियो में देखा है कि जो राइट वाला रहता है वो जैसे नॉर्मल कार में होता है, राइट वाला एक्सीलेटर होता है और लेफ्ट वाला ब्रेक। तो यार मेरे फ्रेंड्स ने तो मेरा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैंने सोचा जान दो, मैं मेरे फ्रेंड्स लोग को अच्छे से रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो मैं आपको ये जगह पे इसलिए आने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जगह पे ट्रैम्पोलिन पार्क, विजुअल टीवी होता है जो, और गो कार्टिंग सब एक ही प्लेस पे मौजूद है यार। तो जब तक मैं आया तब तक तो ये सब स्टार्ट नहीं था, बट मैं जब यहाँ से जाने लगा तो मैंने देखा कि ये सब चालू हो चुका है। तो मेरे पास सॉक्स वगैरह थे तो मैं सोचा कि ट्रैम्पोलिन में वापस जाऊँ। मैंने सोचा नहीं यार जाने दो, ट्रैम्पोलिन का वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना चुका है। ट्रैम्पोलिन में जाके मतलब नहीं, विजुअल का भी मैंने वीडियो वापस बना दिया है। मैंने विजुअल देख चुका है, मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं उसमें तो मैं इसमें भी नहीं गया, बट यहाँ अच्छा था, रोबोटिक्स वगैरह थे सब। ट्रैम्पोलिन ये उतना खास तो नहीं था बट बच्चों के लिए सही था, तो मेरे को ये भी उतना अच्छा लगा। लेकिन चालू हो गया था ये जब तक मैं जा रहा था यहाँ से, ये चालू हो गया था, मेरे को अच्छा लगा ये देख के। लहान मुलांसाठी उत्तम असा पर्याय है।